खबर रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से है, जहां लूट की घटनाएं घटित हो रही हैं। थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाएं आम हो चुकी हैं। एक सप्ताह के अंदर चौथी लूट की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मंगल पांडे पार्क में टहल रही महिला के साथ लूट की वारदात घटित हुई है। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की माने तो आरोपी 2 तोले से अधिक की सोने की चैन छीन कर रफ चक्कर हो गए। महिला कुछ भी समझ पाती तब तक आरोपी आंखों से ओझल हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और तलाश की, तब तक आरोपी भाग निकले थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े जहां लूट की घटनाएं हो रही हैं, वहीं अंधेरा होते ही बदमाश सक्रिय हो जाते हैं। विगत दिनों दिन दहाड़े शिक्षिका के गले से चैन छीनी जा चुकी है, वहीं राह चलते मोबाइल और चैन खींचने की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। एक बार फिर आरोपियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने हरदी कब्सा के रहने वाले धीरेन्द्र शर्मा की बाइक भी छीन कर रफ चक्कर हो गया। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शर्मा अपने गृह ग्राम की तरफ से जा रहे थे और जैसे ही रतन नगर के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश उनका रास्ता रोक कर मारपीट की और बाइक लूट कर फरार हो गए। क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, जिसके चलते बदमाशों के जहां हौसले बुलंद है, वहीं क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।